यूपी पुलिस के अफसर हर समय अपने अधीनस्थों को जनता के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन कई जगह पुलिसकर्मी अंग्रेजों के जमाने वाला रवैया अपना लेते हैं। वैसी ही मानसिकता फरुखाबाद के कोतवाली कायमगंज पुलिस की भी देखने को मिली, जहां दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार करके ले गई और थोड़ी देर बाद पुलिस ने एक पक्ष को छोड़ दिया, वहीं दूसरे पक्ष को थर्ड डिग्री टॉर्चर दे डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक फरुखाबाद जिले के मोहल्ला गंगा दरवाजा निवासी वासु राजपूत और आमिर मंसूरी निवासी दमदमा के बीच रंगबाजी को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें जमकर मारपीट भी हुई थी। सूत्रों की माने तो पुलिस दोनों तरफ से चार लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले आई थी, जिसमें से एक पक्ष के दो लोगों को अभय दान देकर छोड़ दिया गया, तो वहीं दूसरी पक्ष के बासु राजपूत और हुसैन को सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने बासु राजपूत के साथ वही अंग्रेजी हुकूमत की तर्ज पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हुए उसके जांग पर पट्टे मारकर नील के निशान कर दिए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है। घटना जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आई तो आदेश जारी कर दिए गए और जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जरा सुनिए पीड़ित का क्या कुछ कहना है। दिवाली वाली रात की बात थी, मेरे बच्चे पटक जला रहे थे, तो मतलब वो हम तो घर पे नहीं थे, तो बच्चे घर पे थे, तो मैं उनने जैसे पटका शायद मालूम का दूर घर था, तो उनने गाली गलौज करूँ, मैं गाली गलौज करूँ, तो उसके बाद बच्चों मेरे घर है शायद मान लो हम जोड़ा कह रही आज दो बार दबई हुए, तो हम तुरंत आए हमने मने करी ना माने, उन्हें गाली गलौज करी मेरे बच्चे हम, उसके बाद हमने आए थाने, मतलब थाने पहुँचे दिवाली वाली रात, तो हमने रात जब पहुँचे थे तो मिला एप्लीकेशन देते भाई मैंने अच्छा, फिर हम उसके उसके परवा वाले दिन मैं मतलब थाने गई एप्लीकेशन दे आई, मतलब कहने रही मतलब दरोगा सुपर कौन आई को क्या क्या नाम उनको हाँ कंपनी आई को मैंने रिपोर्ट दी, उसके बाद पुलिस गई, पुलिस मुझसे ये बोली कि आप थाने आ जाओ दो जन मैटर निपटा दिए, हम कंपनी थाने पहुँचे अपने आप को, उसके पहुँचने के बाद फिर हम पहुँचे जब अगले पक्ष को उनने कुछ नहीं बोला मुझे डंडो मारा दरोगा जी ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस की ये गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी और बेलगाम पुलिस पर लगाम कौन लगाएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जनहित टाइम्स के लिए फरुखाबाद से आदेश यादव की रिपोर्ट।